दिल्ली के अंदर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 तारीख को किया था। उस विंटर एक्शन प्लान के तहत ग्रैब सिस्टम दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। दिल्ली में AQI के स्तर, अलग-अलग जो स्टेशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग, पराली जलने की घटनाओं की मॉनिटरिंग, अभी जो रियल टाइम सोर्स अपर्समेंट स्टडी की शुरुआत होने जा रही है उसकी मॉनिटरिंग को 24 घंटे 24x7 उसको मॉनिटर करना, एनालाइज करना और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजी प्लान करना, इसके लिए विंटर एक्शन प्लान के लिए आज से ग्रीन वार रूम शुरू किया जा रहा है। इस ग्रीन वार रूम में बारह मेंबर्स काम करेंगे, जो 12 मेंबर्स कमेटी जो इसमें काम करेगी, जो टीम काम करेगी, उसमें इसके इंचार्ज डॉक्टर BMS रेड्डी को बनाया गया है, जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। असिस्टेंट इंचार्ज NK जोशी जो एनवायरमेंट इंजीनियर हैं, और साइंटिस्ट डॉक्टर नंदिता मोयत्रा इस वार रूम को मॉनिटर करने का काम करेंगी। साथ ही साथ इन लोगों के असिस्टेंट के लिए 9 मेंबर टीम यहां पर लगाई जा रही है, जो ग्रीन दिल्ली ऐप से जितने डेटा आएंगे, कंप्लेन आएगी, उनको दिल्ली के जो 30 डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उन तक पहुंचाना, उसको मॉनिटर करना और उसके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए काम करेगी। साथ ही साथ डॉक्टर नंदिता मेहोत्रा जी जो सारा डेटा है उसको एनालिसिस करने का काम करेंगी। अभी तक टोटल 54,156 54,156 कंप्लेंट दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से आई है, जिसमें से 90% को सॉल्व किया गया है। अगर उन सारों को एनालाइज करें तो सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट है वो MCD डिपार्टमेंट्स की आती है। तीनों MCD को पहले तीनों MCD जब काम कर रही थी और अब ज्वाइंट सिंगल करके लगभग 32,573 कंप्लेंट MCD से अलग अलग संबंधित आई है। दूसरे नंबर पर PWD की कंप्लेंट है, जिसमें 9,118 कंप्लेंट आई है, और तीसरी कंप्लेंट DDA की है, जिसमें 3,333 कंप्लेंट आई है। उसी तरह से अलग अलग विभागों की कंप्लेंट्स आती है। मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो 15 पॉइंट एक्शन प्लान घोषित किया है, उसमें आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है।